ये हमारा कॉम्बैट का क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. फाइंड द मिन टर्म्स प्रेजेंट इन द आउटपुट फंक्शन. एक डिकोडर सर्किट है और फिर बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी. कुछ आउटपुट एंड गेट में है, कुछ आउटपुट और गेट में है और कुछ आउटपुट आपके नैंड गेट में गए हैं. और एक अनेबल इनपुट भी है जो आपका एक्टिव लो है, बबल वाला है, और ये आपका एक्स इनपुट से कनेक्टेड है. अब यहां पे आप देखिए कि सबसे पहले स्टेप में तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बाकी सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा. ये जो डिकोडर है उसके आउटपुट आपके किस या आपको क्या मिलेंगे मिन टर्म्स के रिस्पेक्ट में, इसके डिकोडर के आउटपुट क्या मिलेंगे उस पर मैं पहला डिस्कशन करूंगा. सो देखिए यहां पे डिकोडर जो है वो आपका बेसिकली दो टाइप का हो सकता है. एक आपका एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर और दूसरा हो सकता है आपका एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर. एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर और एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर. एक्टिव हाई आउटपुट पे यहां जो एक्सप्रेशन आते हैं डी नॉट, डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स और डी सेवन, इसके जो एक्सप्रेशन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड अगर इनपुट है तो ये मिलता है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z, x कॉम्प्लीमेंट y z कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट y z, x y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, x y कॉम्प्लीमेंट z, x y z कॉम्प्लीमेंट, x y z. मींस ये जो डिकोडर है वो बेसिकली मुझे सारे मिन टर्म्स ही जनरेट करके देता है. सो यहां पे ये आपका मिन टर्म जीरो मिलेगा, ये मिन टर्म वन, ये मिन टर्म टू, दिस इज मिन टर्म थ्री, दिस इज मिन टर्म फोर, मिन टर्म नंबर फाइव, मिन टर्म नंबर सिक्स एंड मिन टर्म नंबर सेवन. सो ये जो डिकोडर के आउटपुट है ये बेसिकली आपको एक एक मिन टर्म जनरेट करके देते हैं, वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर में. अब अगर मैं एक्टिव लो आउटपुट की बात करूंगा, तो यहां पर जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो डी नॉट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी होगा और ये बबल भी होगा. वैसे ही D1 कॉम्प्लीमेंट और ये बबल भी होगा. ये आपके स्टैंडर्ड नोटेशन है एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर के. D3 सेम विल बी द केस विथ D4, सेम विल बी द केस विथ D5, D6, D7. ये आपके स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे एक्स वाई जेड की जगह, सॉरी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट. देखिए एक्टिव हाई में एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट है, तो यहां पे एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है. और वैसे ही जितने भी आउटपुट होते हैं, वो सब आपका होल कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होते हैं. जितने भी आउटपुट होते हैं दे आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट. जितने भी आपके आउटपुट होते हैं दे आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट. सो एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई जेड होल कॉम्प्लीमेंट. सो देखिए जो भी एक्सप्रेशन थे सेम टू सेम एक्सप्रेशन आपके होल कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आ गए. मतलब ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया एम जीरो कॉम्प्लीमेंट, M1 कॉम्प्लीमेंट, मिनटर्म 2 कॉम्प्लीमेंट, मिनटर्म 3 कॉम्प्लीमेंट, मिनटर्म 4 कॉम्प्लीमेंट, मिनटर्म 5 कॉम्प्लीमेंट, मिनटर्म 6 कॉम्प्लीमेंट, मिनटर्म 7 कॉम्प्लीमेंट. अब इसको आप लिख सकते हैं मिनटर्म 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द मिनटर्म्स एक्सेप्ट 0, दैट मींस 1 2 3 4 5 6 एंड 7. वैसे यहां पे होगा एक्सेप्ट वन ऑल द मिन टर्म्स 0 2 3 4 5 6 एंड 7, एक्सेप्ट टू ऑल द मिन टर्म्स 0 1 3 4 5 6 एंड 7, एक्सेप्ट थ्री ऑल द मिन टर्म्स 0 1 2, थ्री को यहां पे छोड़ दीजिए 4 5 6 7, देन एक्सेप्ट फोर ऑल द मिन टर्म्स 0 1 2 3 5 6 7, एक्सेप्ट फाइव ऑल द मिन टर्म्स 0 1 2 3 4 6 7, एक्सेप्ट सिक्स ऑल द मिन टर्म्स 0 1 2 3 4 5 7, एक्सेप्ट सेवन ऑल द मिन टर्म्स
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6, ठीक है। अब देखो ये जो अब मैं जस्ट एक नोटेशन की बात में बस आपको और बता दूं यहां पे, अब जैसे एक्टिव लो के लिए तीन पॉसिबल नोटेशन होते हैं, मैं तीनों के तीनों नोटेशन आपको बता दे रहा हूं। एक्टिव लो के लिए तीन नोटेशन होते हैं, जैसे देखो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया और बबल भी दिया। अब यहां पे जो अल्टरनेट नोटेशन है डी नॉट, डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स और डी सेवन। सो एक अल्टरनेट नोटेशन में सिर्फ बबल्स प्रेजेंट होंगे और दूसरा अल्टरनेट नोटेशन देखिए डी नॉट कॉम्प्लीमेंट, डी वन कॉम्प्लीमेंट, डी टू कॉम्प्लीमेंट, डी थ्री कॉम्प्लीमेंट, डी फोर कॉम्प्लीमेंट, डी फाइव कॉम्प्लीमेंट, डी सिक्स कॉम्प्लीमेंट और डी सेवन कॉम्प्लीमेंट। ये जो दोनों के दोनों मैंने यहां पे बनाए हैं इसमें आपको एग्जैक्टली ऐसे ही फंक्शंस मिलते हैं। डिफरेंस देखिए बबल और कॉम्प्लीमेंट दोनों हैं तो भी ये एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर है और इसमें एम नॉट की जगह एम नॉट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब एक्सेप्ट जीरो ऑल द मिन टर्म्स। वैसे ही या तो बबल हो या तो कॉम्प्लीमेंट हो, या तो बबल हो या तो कॉम्प्लीमेंट हो, ये भी एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर, दिस इज ऑल्सो एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर। इसका मतलब यहां पे भी M0 का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और यहां पे भी M0 का कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। ये M7 का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यहां पे भी M7 का कॉम्प्लीमेंट। सो मैं जस्ट नोटेशन की बात बता रहा हूं आपको, डिकोडर में अगर किसी को नहीं पता है तो जस्ट ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों नोटेशन सेम है जो मैंने लास्ट में लिखा है। सो कैसे मैंने बोला, या तो कॉम्प्लीमेंट हो या तो बबल हो या तो दोनों हो, कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज बबल, ये आपके आउटपुट्स होंगे डिकोडर के। एंड इफ, अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, ना तो कॉम्प्लीमेंट है ना तो बबल है, तो इसमें आपको एग्जैक्टली मिन टर्म्स मिलते हैं M0 से M7। एक लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट हो या तो बबल हो, या तो कॉम्प्लीमेंट और बबल दोनों हो, ये तीनों के तीनों जो है दिस इज एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर रिप्रेजेंटेशन। एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर रिप्रेजेंटेशन आउटपुट इसी फॉर्मेट में मिलेंगे एंड द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट फॉर द एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर इज, एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर में ना तो बबल होगा ना तो कॉम्प्लीमेंट होगा और इसमें आपको एग्जैक्टली मिन टर्म्स मिलेंगे M0 से M7। सो ये जो केस है आपका, ये केस देखिए क्या है आपका, ये जो केस है ये आपका बबल वाला केस है। ये बबल का मतलब है दिस इज एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर। सो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये M0 का कॉम्प्लीमेंट है, M1 का कॉम्प्लीमेंट है, M2 का कॉम्प्लीमेंट है, M3 कॉम्प्लीमेंट, M4 कॉम्प्लीमेंट, M5 कॉम्प्लीमेंट, M6 कॉम्प्लीमेंट एंड M7 कॉम्प्लीमेंट। ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ये सर्किट भी मैं आपको जस्ट अभी इमीडिएटली एक्सप्लेन कर। सो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ये डिकोडर के आउटपुट मैंने आपको बता दिए, एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर है। सो ये मैंने बता दिए, अब कुछ एंड गेट में गए, कुछ और गेट में गए और फिर फाइनली ये नैंड गेट में गए। सो देखिए यहां पे ये एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर है, एक्सेप्ट जीरो ऑल द मीन टर्म्स, तो मैंने इसको वन से सेवन लिख दिया। एक्सेप्ट वन मीन्स जीरो एंड टू से सेवन, एक्सेप्ट टू मीन्स जीरो टू वन एंड थ्री टू सेवन, एक्सेप्ट थ्री मीन्स जीरो टू टू एंड फोर टू सेवन, एक्सेप्ट फोर मीन्स जीरो टू थ्री, फाइव टू सेवन एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन कौन सा एंड गेट में है, मैंने आपको मार्क भी करा दिया था क्वेश्चन में। वन थ्री सिक्स जो है वो आपका एंड गेट में गया और टू फोर फाइव सेवन और गेट में गया। अब देखिए आप एग्जाम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि एग्जाम में ये इतना लेंदी क्वेश्चन कैसे आएगा, ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, यहां टाइम लग रहा है। अभी इसी वीडियो में मैं आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा ये भी बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम में क्विकली बेस्ट पॉसिबल या मिनिमम पॉसिबल टाइम में कैसे सॉल्व होगा दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। बट मेन चीज है कि ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए बेसिक से,
सिर्फ मैं आपको एग्जाम में कैसे करने हैं शॉर्टकट के फॉर्म में बताऊंगा, सो एग्जाम के क्वेश्चन में कुछ आपसे ट्विस्ट कर देगा तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। सो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए ये जो एंड गेट एक्सेप्ट वन मींस ये आपके कौन कौन से हो गए, 0.2 से लेके 7, एक्सेप्ट थ्री मींस 0 to 1 एंड सॉरी 0 से 2, एक्सेप्ट थ्री का मतलब है 0 से 2 एंड 4 से 7, और एक्सेप्ट सिक्स का मतलब है 0 to 5 एंड 7। इतना कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा लॉजिक देखिए, इसमें वन नहीं है तो एंड गेट के आउटपुट में वन कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि वन इसमें नहीं है। एंड गेट क्या करता है, जितने भी कॉमन मिन टर्म्स होते हैं उनको ही पास करेगा। ये तीनों इनपुट में जितने कॉमन मिन टर्म्स होंगे उनको ही पास करेगा एंड गेट, दैट्स इट। सो वन अगर इसमें नहीं है तो आउटपुट में वन नहीं आ सकता, इस इनपुट में थ्री नहीं है तो आउटपुट में थ्री नहीं आ सकता, इस इनपुट में सिक्स नहीं है आउटपुट में सिक्स नहीं आ सकता, मतलब एंड गेट के आउटपुट में 1, 3, 6 को छोड़ के सब आ जाएगा। इट मींस 0.2, 4, 5, 7 एज सिंपल एज दैट। सो अगर एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर या एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर जो होता है उसका आउटपुट अगर आपका एंड गेट से कनेक्टेड है तो ये 1, 3, 6 को छोड़ के ये सब आपका यहां पर। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सीधे शॉर्टकट पे कभी भी मत जाइए, कभी कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट करेगा वहां पे फंस जाएंगे अगर डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड जाएंगे तो। कॉन्सेप्ट मुझे पता था यहां पे, एक्सेप्ट वन मतलब वन इसका इनपुट नहीं है तो कॉमन हो ही नहीं सकता, तो वन नहीं आएगा, थ्री नहीं आएगा, सिक्स नहीं आएगा, 0, 2, 4, 5, 7 आ गया। वैसे ही और गेट में देखिए, अब टू इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाकी सब में तो टू है ना, 4 इसमें नहीं है लेकिन बाकी सब में तो 4 है, तो और गेट क्या करता है सारे मिन टर्म्स को पास कर देता है, सारे मिन टर्म्स को पास कर देगा जो किसी एक इनपुट में भी होगा उसको भी पास कर देगा। सो 2 इसमें नहीं है तो बाकी तीनों में तो है, 4 इसमें नहीं है बाकी तीनों में तो है, 5 इसमें नहीं है बाकी तीन में है, 7 इसमें नहीं है बाकी तीन में है, मतलब ये जो है सारे के सारे मिन टर्म्स को पास करेगा। और गेट में अगर आप कोई भी दो इनपुट दे दोगे तो भी वो सारे के सारे मिन टर्म्स को पास करेगा, क्योंकि अगर इसमें 2 नहीं है तो बाकी में तो 2 होना ही है, इसमें 4 नहीं है तो बाकी सब में तो 4 होना ही है। सो एंड गेट में कंक्लूजन क्या आया, अगर ये D0, D3 और D6 है तो यहां पे D0, D3, D6 को छोड़ के सब आ जाएगा, और गेट में सारे मिन टर्म्स आ जाएंगे। अब मैं 2, 4, 5, 7 को कनेक्ट किया हूं तो भी 0 से 7 आएगा, कोई भी 2, कोई भी 3, कोई भी 4, कोई भी 5 इनपुट आप और गेट में कनेक्ट कर लीजिए, 0 to 7 ही आएगा। अब ये जो नैंड गेट था, ये जो नैंड गेट था इसको मैंने ब्रेक कर दिया एंड गेट में और नॉट गेट में, नैंड गेट को मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। अब ये एंड गेट क्या निकालेगा, इन दोनों के कॉमन निकालेगा, 0 to 7 में तो सब है तो ये जो 0, 2, 4, 5, 7 है ये यहां पे भी आ गया 0, 2, 4, 5, 7। अब 0, 2, 4, 5, 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, 3, 6। 0, 2, 4, 5, 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, 3, 6। सो देखिए पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टाइम लग रहा है, एक बार भी कंक्लूजन अगर आपके पास आ गया, एक बार भी आपको इस क्वेश्चन का फ्लो समझ में आ गया, अब अगर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा इसके बेसिस पे 100% आपसे बनेगा, वो भी मिनिमम पॉसिबल टाइम में। सो आउटपुट फंक्शन के मिन टर्म्स आ गए 1, 3, 6, लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर क्योंकि अभी तक आपने अनेबल को हैंडल नहीं किया, अभी तक आपने अनेबल को हैंडल नहीं किया है। सो अब देखिए अनेबल का यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक्टिव लो अनेबल है, बबल दिख रहा है, या तो बबल या तो कॉम्प्लीमेंट या तो दोनों बबल एंड कॉम्प्लीमेंट, ये रिप्रेजेंटेशन एक्टिव लो अनेबल के होते हैं, मतलब ये डिकोडर तभी काम करेगा जब ये अनेबल इनपुट कितना होगा 0। ये डिकोडर आपको, देखिए आपको रिक्वायर्ड फंक्शन क्या मिला, आपको रिक्वायर्ड फंक्शन मिला या आपको आउटपुट फंक्शन मिला 1, 3, 6, लेकिन ये 1, 3, 6 तभी मिलेगा जब ये डिकोडर अनेबल होगा,
और ये डिकोडर एनेबल कौन सी वैल्यू पे होगा? जीरो इनपुट पे। ये जीरो किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू। इसका मतलब ये निकला कि ये जो आपका आउटपुट 136 निकला है, ये जो आपका आउटपुट 136 निकला है, ये तभी निकलेगा जब एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे? जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो होगी। सो देखिए इसको कंक्लूड कैसे करना होता है। ये अनेबल जैसे आपका मल्टीप्लेक्सर में है तो भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, ये अनेबल अगर आपका डिकोडर में है तो भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। सो देखिए आपका जो आउटपुट फंक्शन आया, आपका जो आउटपुट फंक्शन आया ऑब्वियसली एक्स वाई जेड के टर्म्स में है, आपका जो आउटपुट फंक्शन आया मिन टर्म्स 136, ये तभी मिलेगा ओनली इफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो अनेबल नहीं होगा डिकोडर, अनेबल नहीं होगा तो ये आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। सो अनेबल के क्वेश्चन को आप ऐसे ही कंप्लीट करना है, पहले तो आउटपुट निकाल लो फिर अनेबल कैसे डील करना है ये यहां पे आप सीखिए। सो देखो ये 136 का मतलब क्या है, 1, 3 एंड 6। अब ये 136 क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। सो आउटपुट ये फंक्शन, आउटपुट ये फंक्शन तभी मिलेगा जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। आउटपुट ये फंक्शन तभी देगा जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे ही आपको यह फंक्शन मिल रहा है। अगर x इक्वल टू जीरो पे ही आपको ये फंक्शन मिल रहा है तो सिंपल बुलियन अप्लाई करोगे तो x कॉम्प्लीमेंट इसमें डॉट कर देना है। तो अनेबल जो भी होगा वो यहां पे डॉट x कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जीरो चाहिए अनेबल करने के लिए। अगर एक्टिव हाई अनेबल होता तो मैं डॉट x करता, अगर एक्टिव हाई अनेबल होता तो मैं डॉट x करता, लेकिन एक्टिव लो अनेबल है तो मैं डॉट x कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। अब डॉट x कॉम्प्लीमेंट करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ये x और ये x कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसमें आंसर क्या मिला, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x कॉम्प्लीमेंट y z। x कॉम्प्लीमेंट ये से डॉट होने के बाद ये आपको आउटपुट मिला। अब ये जो आउटपुट है ये मिन टर्म्स के फॉर्म में देखिए क्या है, 001 और यहां पे 011, तो इसमें फाइनल मिन टर्म्स कितने आ गए, 1 एंड 3। सो इट मींस फाइनल आंसर 136 नहीं है, फाइनल आंसर आपका जो क्वेश्चन में है दैट इज समेशन m 1,3। सो जिसने भी कमेंट बॉक्स में 1,3 लिखा है उनका आंसर 100% करेक्ट है, बाकी कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। The only correct answer is 1,3। तो 1 एंड 3 मिन टर्म्स जो है वो आपके आउटपुट फंक्शन में प्रेजेंट है। अब यहां पे देखिए 1 एंड 3 आपके आउटपुट फंक्शन प्रेजेंट है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो देखो अनेबल को मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ भी नहीं लिया, अनेबल को मैंने स्टार्टिंग से कहीं भी कंसिडर नहीं किया। एक बार आउटपुट फंक्शन आ गया तो अनेबल को कैसे हैंडल करना है, एक बार आउटपुट फंक्शन आने के बाद अनेबल में सिंपली डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे अनेबल था, एक्स इक्वल टू जीरो पे अनेबल था इसलिए डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो फाइनल आंसर तो आपका 1,3 आ गया। अब देखिए एग्जाम के रिस्पेक्ट में आपको देखना कैसे है, एग्जाम के रिस्पेक्ट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखिए अगर एंड गेट में है तो 1 आउटपुट में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता तीनों में, वैसे ही 136 को छोड़ के सब आ गया 0, 2, 4, 5, 7। तो देखिए आंसर एग्जाम में देखिए मिनिमम पॉसिबल टाइम में क्या मिनिमम स्टेप्स लेने हैं। पहली चीज आपको डिकोडर के आउटपुट का मतलब पता होना चाहिए, 0 का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट, 2 का कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, 7 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो यहां पे देखिए क्या होगा। अब मैं इसको आपको ये भी बता देता हूं कि एग्जाम में कैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये देखो एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 3 और ये आपका आ गया 6। सो ये 1 का कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका 3 का कॉम्प्लीमेंट है और ये 6 का कॉम्प्लीमेंट है। सो इस एंड गेट के आउटपुट में 136 को छोड़ के सब कुछ मिलेगा, सीधे एक स्टेप में सीधा यहीं पे जाना है आपको, ये आपको देगा 0, 2, 4, 5, 7। फिर देखिए और गेट, कुछ भी इनपुट हो और गेट का आउटपुट 0 से 7, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये 2 का कॉम्प्लीमेंट, ये 4 का कॉम्प्लीमेंट, 2, 4 और ये 5 का कॉम्प्लीमेंट और ये 7 का कॉम्प्लीमेंट। सो 2 इसमें नहीं है तो क्या हुआ, बाकी में तो है ना। सो ऐसे आप देखोगे तो सब मिलेगा।
सो देखो सीधे सीधे 136 है एंड गेट का इनपुट, तो कुछ कंक्लूजन आप अपने हिसाब से बना लो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इसको रटने की नीड नहीं है। कितनी चीजें रटेंगे, कितने सारे सब्जेक्ट है, कितने सारे टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स में, कितनी चीजें रटोगे तो रटने की चीज कम है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं वो रटने के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बोल रहा हूं। 136 अगर एंड गेट का इनपुट इस वे में है तो 136 छोड़ के सब मिलेगा, क्योंकि 1 आउटपुट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 अगर इसमें नहीं है तो तीनों में कॉमन नहीं हो सकता। वैसे ही ऑर गेट का आउटपुट 0 से 7 ये आपका एंड गेट का आउटपुट। अब ये आपका जो नैंड गेट है, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, इसका कॉमन क्या आ गया, इसका कॉमन आ गया 0 2 4 5 7, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 136। सो वैसे तो आउटपुट 136 है लेकिन अभी हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। अब इसमें भी आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, 136 का मतलब क्या है, 001 011 110, ये किसकी वैल्यू है, एक्स वाई जेड की वैल्यू है ना। अब देखो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्टिव लो अनेबल है तो जीरो पे काम करेगा, किसकी वैल्यू जीरो पे काम करेगा, एक्स की वैल्यू जीरो पे काम करेगा। सो देख लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक्स इक्वल टू जीरो ये भी करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये आपका काम नहीं करेगा क्योंकि x इक्वल टू 1 नहीं है तो ये नहीं मिलेगा, तो आपको क्या मिला, सिर्फ ये दोनों मिले 1 एंड 3। सो आपका फाइनल जो आंसर है दैट इज समेशन m 1, 3। सो मैंने जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था द मिन टर्म्स प्रेजेंट इन द आउटपुट फंक्शन इज 1, 3, ये आपका आंसर।